कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यालय का उद्घाटन किया। मोहान विधानसभा 164 मोहान विधानसभा में कांग्रेस से महाराष्ट्र की प्रदेश अध्यक्ष प्रणीति शिंदे ने हसनगंज के मौला बाकीपुर में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रणीति शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया है, इसका मैं स्वागत करती हूं और जब महिला सक्षम होगी तो देश सक्षम होगा और ये कदम उठाया गया है, देश हित में है, देश में सभी लोगों को सक्षम करने वाला है। देश प्रदेश में जो भी महिलाओं के अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए लड़ रही हैं। टिकट देकर के मैदान में उतारा, उनका एक नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस चीज को आप किस प्रकार से देखती हैं? और जैसे हमारे यहाँ बहुत ही लोकप्रिय रही है, उनके हस्बैंड जी एडवोकेट रहे हैं मधु रावत जी के पति जी, तो क्या लगता है आपको कैसा रुझान और क्या महिलाओं में? जो प्रियंका जी ने निर्णय लिया है कि 40% महिलाओं को इस बार टिकट दी, इसका हम स्वागत करते हैं। और जब महिला सक्षम होती है तो देश सक्षम होता है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है वो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं लेकिन आम आदमी को भी सबल करने वाला है, सक्षम करने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ यूपी में नहीं लेकिन पूरे देश में जो महिलाएं हैं, जो दीन दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े हुए गरीब है, उनके अधिकार छीनने की साजिश बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं, बल्कि वो सेंटर में कर रहे हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी कर रही है। इनको अगर आवाज वापस देना हो, इनको अगर अधिकार देना हो तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और जब प्रियंका जी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लड़ हम खुद के लिए नहीं रहे, लड़ हम इन सबके लिए रहे हैं, क्योंकि इनके जो हक है, अधिकार है, कई छीने जा रहे हैं। तो ये दोबारा इनको वापस देने, इनको महफूज दिलासा देने कांग्रेस अभी तक है, जबकि मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। ये सब लोग कितने खुशनसीब है कि ये राज्य प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी का है। हम तो तरसते उनकी नजर के लिए, झलक के लिए। तो आपके पास ये है, तो मैं यूपी वासियों से कहना चाहती हूँ कि जबकि आपके पास इतना कुछ है, अब क्यों वक्त और मौका गंवा रहे हैं और इधर उधर वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को अगर देंगे तो खुद मजबूती मिलेगी और खुद ताकत मिलेगी। पूरे प्रदेश में किसान गोवंशियों से परेशान, आवारा पशुओं से, इसके लिए कांग्रेस अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक समाज सेवी है, उन्होंने आत्मदाह करने पर मजबूर हो गए गोवंशियों के हालात को देख करके। जी मेरे ख्याल से ये जो बीजेपी या समाजवादी या जो भी पार्टीज है वो कोशिश कर रहे हैं कि जात पात को लेके लोगों को डिवाइड करें, लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा USP है और यही लोगों को चाहिए। लोग अब परेशान हुए हैं, जो लोग काम नहीं करते वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही विषय लेके प्रियंका जी उतरे हैं, जबकि उनको कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो रात दिन काम कर रहे हैं। भारत जो है, भारत माता जो है, वो हम एक है और संगठन में शक्ति है, यही नारा हम लेके लोगों में जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या जाएगा? पहले प्रथम जिनका आवाज बीजेपी छीन रखी है उनको हम आवाज देने वाले हैं, चाहे वो किसान हो, दीन दलित हो, महिला हो, पिछड़े हुए वर्ग हो, उनको हम आवाज देंगे। उनके लिए हमारे